हेलो दोस्तों, मैं अनिल। आपको वीडियो देख के पता चली जा रहा हो कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। मोमोज बनाने का सबसे आसान तरीका और सही तरीका मोमोज बनाने का। मोमोज बनाना आप इसमें दो रेसिपी सीख पाएंगे कि आप मोमोज चटनी बनाना पाओगे और मोमोजी। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स ले लेंगे। आपका जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वेजिटेबल्स को ले लेंगे। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आप इस तरह से कट करने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है आपको। जैसे मिक्स होता है आपको सॉल्ट लेना है और सॉल्ट को छोड़ देंगे उसको पानी निकलने के लिए। अब हम बनाएंगे मोमोज चटनी। मोमोज चटनी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मिर्ची की, तो हम गोल मिर्ची ले लेते हैं और इसको गैस में चढ़ा देते हैं। उसको हम पकने देते हैं। जैसे ही पक जाता है इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कम मलाई लगा देते हैं मोमोज का आटा। मोमोज काटे के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 500 ग्राम मैदे की। हम 500 ग्राम मैदा ले लेते हैं और उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे एक चम्मच, सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा टाइट और गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होता है तो आपको मोमोज बनाने में दिक्कत आएगी, और टाइट होता है तो फिर भी आपको दिक्कत आएगी, मोमोज आपको अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से मालिश करके रखना है। इस तरह से आपको रखना है 10 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए रखना है। ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर का आटा सूखे ना। ऑयल लगा के हम छोड़ देंगे इसको 10 मिनट के लिए। ऊपर किस चीज़ से कवर कर देंगे। अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसको हम आपको दिखाएंगे कि अगला स्टेप क्या रहेगा। इस तरह से आपको देखो अपनी सोना। अब हम मोमोज की चटनी बनाने वाले हैं। मोमोज चटनी बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी फ्राई पैन की। तो हमने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाला, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को हमें ज़्यादा इसको सौते नहीं करना, स्टर करना है। इसमें हम कटी हुई मिर्ची डालेंगे, कटी हुई अदरक डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। जैसे प्याज पड़ जाता है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी देख लो फर्क आ रहा है। जलना नहीं चाहिए आपको। कटा हुआ हम लेंगे चिली पेस्ट। चिली पेस्ट हमने ले लिया। इस तरह से आपको चिली पेस्ट ले लिया। इसको चिली पेस्ट आप जब भी बना रहे हो तो दरदरा चिली पेस्ट होना चाहिए। दरदरा बनाओगे तभी आपको खाने में मज़ा आएगा। चिली पेस्ट दरदरा ही बनाएंगे। पानी हल्का सा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे वो उबाल आता है इसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है, तो आपको इसमें डालना है धनिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब यही स्टेप है मोमोज चटनी अच्छे बनाने का तरीका। आप सीख पाओगे बहुत ही आसान तरीके। इसमें डालेंगे सिलेंडर टमाटर। आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर केचप। टमाटर केचप मिर्ची स्पाइसी होती है इसलिए हम टमाटर को सब ऐड करेंगे ताकि इसका बैलेंस बना रहे। इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। मार्केट से आपकी संख्या पसंद नहीं है। इसमें डालेंगे वाइट पेपर। इसमें हम डालेंगे अरोमेट पाउडर। इसमें हम करेंगे रेड चिली सॉस जो भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यही है मोमोज चटनी बनाने का असली तरीका। आप यकीन नहीं करोगे बहुत ही अच्छी टेस्टी। ऐसे में झटपट और घर पर आसान तरीके से बनाना सीख पाओगे। आप भी ऐसे ही ट्राई करें। और कैसे लगा आपको वीडियो मेरा कमेंट करके आप ज़रूर मेरे को बताएं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक बाउल में खाली कर लेंगे। फटाफट से हम खाली कर लेते हैं। एक बाउल ऐसा आपको एक बाउल ले लेना है। इसको खाली कर लेना इस तरह से। आप इसको देख लीजिए ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं। इस तरह से आप करो। जो हमने कटी हुई वेजिटेबल्स ले रखी हुई थी उसको वेजिटेबल्स ले लेंगे। उसको पानी निचोड़ने के लिए कपड़े में की सहायता से निचोड़ेंगे इसमें पानी। तो हमें कपड़े जरूरत पड़ेगी। इस तरह का कपड़ा ले लेना है, कोई भी कपड़ा होगा। तो उसको हम धीरे धीरे पानी निकाल लेंगे इसका। तो हमने पानी निकाल लिया है। इसमें ऐड इस तरह से आपको देखिए एकदम सूखा हो गया, आपको कहीं पानी नहीं दिख रहा होगा। और उसमें हम ऐड करेंगे अरोमेट पाउडर। जैसे अरोमेट पाउडर ऐड करते हैं इसमें डालेंगे वाइट पेपर। इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। तो आप इसमें हम डालेंगे सेजवन सॉस। इस तरह से आपको भी मिक्स कर लेना। सेजवन सॉस डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। इसका ध्यान रखना है आपको।
और इसको ज़्यादा गीला नहीं बनाना है आपको, इस तरह से जैसे मैंने कर लिया वैसे आपको भी कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखिएगा फटाफट से। मेरे पास स्टीम इडली वाला मेकर है, मैं उसमें बनाने वाला हूँ, मेरे पास मोमोज का मेकर नहीं है, तो इसलिए इडली वाले मेकर बना। फटाफट से हम तेल लगा लेंगे नीचे इडली मेकर में, और हम अब आटा मोमोज का आटा की गोली कैसे बनाते हैं हम वो देख लें। कितने कितने छोटे पीस रखने वो भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको मोमोज बनाना है, तभी आप परफेक्ट मोमोज बना पाओगे। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने आटा को रेस्ट करने के लिए निकाल लिया, हम उसको हमने कट कर लिया पतला पतला, और जैसे कट कर इसको पतला पतला लंबा कर लेंगे, गोल आकार में लंबा कर उसको छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे इस तरह से, और हम बेलना शुरू करते हैं। जब भी आप मोमोज बना रहे हो इसका ध्यान रखें, इसकी लेयर पतली रखनी है आपको, ज़्यादा मोटा होगा तो मोमोज फटेंगे आपको, अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे। ज़्यादा पतला रहेगा तो फिर भी मोमोज आपको नहीं बन पाएगा। आपकी देख रहे हो थिकनेस, इसकी देख रहे हो इसकी डिजाइन, इसका टेक्स्चर आपको समझ में आ रहा हो कितने बेहतरीन तरीके से बना हुआ है ये मोमोज। इसको हम फटाफट से आप सारे इस तरह मोमोज बना लेंगे। अब हम स्टीम करने के लिए रखेंगे, हमारा स्टीमर में स्टीम ऑयल ये देखिएगा गैस चल रही है और स्टीम करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये फटाफट से हम डाल देते हैं, अभी तक स्टीम करने के लिए रेडी हो चुका है अब हमारा। हम फटाफट से अगर प्लेट में निकालेंगे, हम प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें, धन्यवाद। आ रहा ना आपके मुँह में पानी? आ रहा है तो आप फटाफट से प्लेट बनाएं और घर पर जरूर ट्राई